हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था क्या? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था, तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसी के साथ हम लोगों ने प्री मेंडेलियन थियरी भी कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो ये दो चीजें हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ी थी। जेनेटिक्स का आज ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आपको पूरे चैप्टर के दौरान आएंगे जो बीच बीच में आपको परेशान करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब हम लोग थियरी वाले पोर्शन पे चलेंगे, जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बातें हम करने वाले हैं, तो उस टाइम पे ये जब छोटे छोटे टर्म्स आएंगे तो आपको बार बार गूगल को परेशान करना पड़ेगा और बुक्स को खोलना पड़ेगा, तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो पहले हम लोग छोटे छोटे टर्म्स को देख लेंगे, फिर जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन, है ना? जीन टर्म सभी ने सुना होगा, जब आप टेंथ में होंगे तभी से ये टर्म आपके सामने आता है। क्रोमोजोम हुआ, डीएनए हुआ और जीन हुआ, ये तीनों चीजें आपने स्टार्टिंग से ही सुना होगा क्लास 9 10 से ही। क्रोमोजेनेसिस, यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और हमारी बॉडी में मतलब कि एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग्स में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वही डीएनए कहलाता है। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, ये चीज हम लोग जानते हैं। बात यहां पे आती है किसकी? जीन की। बेटा जब हम जीन की बात करते हैं तो जीन के बारे में आपको ये याद रखना है कि जीन एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का। यानी कि जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, है ना, सेकंड चैप्टर, इसी का सेकंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आपको पूरा पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं और एक क्रोमोजोम पे एवरेज जीन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, है ना? वाई क्रोमोजोम पे कितना है या क्रोमोजोम नंबर 1 पे कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ जीन्स का क्या है, एक पूरा रेशियो आपको पता चलेगा। तो अभी बस आपको ये जानना है कि जो जीन होते हैं वो क्या है बेटा? तो इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना? इस जीन का मेन फंक्शन क्या है? तो इट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। यानी कि हर एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, या हर एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, तो मेरी आंखों के कलर ब्लैक होने के पीछे कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लैक कलर वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी आंखों का कलर ब्लू है तो आपकी आंखों के कलर ब्लू होने के कारण, ब्लू होने के पीछे रीजन क्या है? आपका वो जीन है। कर्ली हेयर, जीन के कारण। स्ट्रेट हेयर, जीन के कारण। बॉडी कलर, जीन के कारण। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सब कौन कंट्रोल करता है? जीन्स करते हैं। ये चीज आपको पक्का क्लियर समझ में आ गया। अब ये चीज आपको मैं बता दूं कि जो जीन है, ये जो जीन टर्म है, सबसे पहले दिया था जॉनसन ने। तो जॉनसन साहब ने सबसे पहले जीन टर्म दिया था, है ना? उसके बाद जो मेंडल थे वो जीन को ही क्या बोलते थे? फैक्टर। तो फैक्टर टर्म किसने दिया था? मेंडल ने। लेकिन ये दोनों सेम है, मतलब मेंडल उसको फैक्टर बोलते थे और उसी चीज को जॉनसन ने क्या बोला था? जीन बोला था। तो अब हम लोग जीन यूज करते हैं, लेकिन मेंडल अपने टाइम पे क्या यूज करते थे? फैक्टर यूज करते थे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गया कि जीन क्या है, पक्का। दूसरा पॉइंट है एलील या एलिलोमार्फ। एलील या एलिलोमार्फ आपको समझना है, इस पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, है ना? यानी कि कोई भी एक जीन होगा तो उस जीन के बहुत सारे ट्रेड्स होंगे, है ना? हर एक जीन जो कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है उस कैरेक्टर के भी ट्रेड्स होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि एक कैरेक्टर है हाइट, एक कैरेक्टर है हाइट। अब हाइट तो कैरेक्टर हो गया, अब हाइट के लिए दो ट्रेड है मेरे पास, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ, है ना? तो टॉल के लिए मैं जो जीन लिखता हूं, जो जीनोटाइप में लिखता हूं, वो मैं लिखता हूं कैपिटल टी कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए मैं लिख सकता हूं स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब ये जब आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो हमेशा पेयर में करेंगे, इसीलिए लिखा हुआ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म, वो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो सकता है। तो आपको यह समझ में आना है कि कभी भी एक जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, दो एलीलिक पेयर आपको समझ में आता है। तो इट मे बी कि ये एक कैपिटल हो, एक सिंगल एक स्मॉल हो, या दोनों कैपिटल हो, दोनों होमोजाइगस हो, या दोनों ही
रेसेसिव हूं। तो मतलब आपको यह समझना है कि एलील्स क्या है, तो इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो हमेशा क्या करेंगे किसी भी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब ये जहां पे लोकेटेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्रोमोजोम है और यहाँ पे कैपिटल डी प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल डी प्रेजेंट है, तो जिस जगह पे ये प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप जगह को बोलोगे क्या, लोकस है ना। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। और एक टर्म और आता है लोकाई, LOCI। तो लोकाई जो होता है वो क्या कहलाता है, जब हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो लोकाई है, और लोकस का मतलब जब सिंगल के लिए हम यूज करते हैं। तो एलील आपको क्लियर हो गया। होमोजाइगस कंडीशन क्या कहलाता है, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब ये होता है बेटा कि जब दो एलील्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल, टू एलील्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल, जब दो एलील्स आपस में एक जीन में हो और दोनों के दोनों क्या हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तब कंडीशन क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, ये दोनों क्या है, दोनों एलीलिक पेयर है, लेकिन दोनों क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये हो गया होमोजाइगस। अगर मैं लिखता हूं स्मॉल टी तो ये भी क्या है, रिसेसिव है, लेकिन ये भी क्या है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब एक जीन के अंदर दोनों एलीलिक पेयर जो है वो आइडेंटिकल होंगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्लियर है। हेट्रोजाइगस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एक जीन के अंदर जो दो एलीलिक पेयर है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब एक कैपिटल टी होगा तो दूसरा स्मॉल टी होगा। तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है किसको, हेटरोजाइगस कंडीशन को। ये सब कुछ आपको समझना है बेटा, एक एक पॉइंट। हेमीजाइगस कंडीशन आपके लिए थोड़ा सा नया आ रहा है। इसमें क्या होता है, इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर, मतलब पेयर में से केवल एक ही जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैं मिटा दूं फिर आपको समझाता हूं। अगर मान लो इसको समझना है, हेमीजाइगस कंडीशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा मेल का क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, मेल का क्रोमोजोम क्या होता है, एक्स वाई, यही होता है ना। तो मतलब क्या है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो ये तो दोनों क्या है, अलग अलग है। अब ये दोनों अलग अलग है तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा, हेमीजाइगस कंडीशन। मतलब क्या कि एक पेयर में अगर क्रोमोजोम का जो सिक्वेंस है वो केवल एक ही प्रेजेंट हो और एक एबसेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेमीजाइगस कंडीशन। तो मेल के केस में मेल इंडिविजुअल हमेशा कैसा रिप्रेजेंट करता है, हेमीजाइगस कंडीशन, क्योंकि वहां पे एक एक्स है तो दूसरा क्या है, वाई है। और इसे ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। ये बातें आपको समझ में आ रही है। दूसरा मैंने लिखा हुआ है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है बेटा, डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब एलील्स अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है किसी दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस करके, तो जो एलील्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उस एलील्स को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट एलील, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा कैपिटल टी, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टॉल को, पक्का। अगर मैं लिखता हूं स्मॉल टी, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ड्वार्फ को, है ना, ड्वार्फ को। एक टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं तीसरा कंडीशन अगर लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मेंडल के नियम के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो यहां पे क्या है कि कैपिटल टी का तो एक्सप्रेशन होगा लेकिन स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो यहां पे इस कैपिटल टी के कारण स्मॉल टी का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, छुप जा रहा है, नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस कैपिटल टी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट एलील। मतलब एक पेयर ऑफ जीन में से, एक पेयर ऑफ एलील्स में से जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और जिसका कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है उसको हम लोग रेसेसिव एलील बोलते हैं। तो यहां पे रेसेसिव भी लिखा हुआ है कि एलील्स व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। तो जब भी डोमिनेंट एलील होगा तो वहां पे जो रेसेसिव कैरेक्टर के होंगे उनका कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना, बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी तीर वाली चीज तो है नहीं, है ना। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, इसके हिसाब से डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या है। एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। पूरे चैप्टर में हम लोग क्रॉस ही कराएंगे और क्रॉस करा के उनके जनरेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हम लोग क्रॉस की बात करते हैं तो लिखा हुआ है मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग होगी, उनके गैमेट बनेंगे और फिर उनकी प्रोजेनी बनेगी, यही तो प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉसिंग कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉल प्लांट लिया
और एक मैंने ड्वार्फ प्लांट लिया, तो एक ट्वार्फ प्लांट की स्पीसीज है और एक ड्वार्फ प्लांट की है, दोनों ही क्या है पेरेंट्स हैं, दोनों ही क्या है पेरेंट्स हैं, मतलब अगर मैं इसको मेल मानता हूं तो इसको फीमेल मान लो भाई, यहां से क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो दो में से एक, यहां पे भी दो में से एक, ये दोनों क्या बने बेटा गैमेट, अब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जब भी क्रॉसिंग होगा तो जो पहला प्रोजेनी बनेगा, ये हमारा पहला प्रोजेनी बना है ना, ये पहला प्रोजेनी बना, इसको हम लोग नाम देते हैं यफ वन जनरेशन, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या यफ वन जनरेशन। यहां पे यफ वन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यफ वन क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब अगर हम आपको समझाएं तो फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी, है ना, फिलियल का मतलब क्या होता है प्रोजेनी। तो जब भी क्रॉसिंग होगी, जब भी मेटिंग होगी इंडिविजुअल्स के बीच में, तो वहां से जो पहला जनरेशन हमें मिलेगा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यफ1 जनरेशन से, और उसी को हम लोग फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं। तो यफ1 जनरेशन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जब ये यफ1 जनरेशन बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा क्या बना, यफ1 जनरेशन बना। अब ये जो यफ1 जनरेशन बना है, इसी का अगर आप लोग सेल्फिंग करा दो, अगर इसी का हम लोग क्या करें सेल्फिंग करा दे, सेल्फी नहीं लेना है, सेल्फिंग का मतलब उसी इंडिविजुअल के उसी में क्रॉस करा देना है। जैसे मान लो ये गैमेट आपने अलग किया कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और इसको क्या किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आप सेल्फिंग करा दो भाई, यही आपने क्या किया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर, मतलब वही जो आपने प्रोजेनी आया उन्हीं प्रोजेनी के बीच में क्या किया सेल्फिंग कराया, तो अब जो जनरेशन निकल के आया है उसको हम लोग कंसीडर क्या करते हैं F2 जनरेशन, है ना। तो F2 जनरेशन भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो दो चीजें आती है, एक होता है F1 जनरेशन और एक होता है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन हमेशा दो इंडिविजुअल के क्रॉस कराने से मिलता है, वो हमेशा हाइब्रिड कंडीशन शो करता है, जबकि जो F2 जनरेशन होते हैं वो सेल्फिंग कंडीशन कराने के कारण, सेल्फिंग जब सेल्फिंग हम कराते हैं तब ये हमें रेशियो मिलता है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए पक्का। क्रॉस के डिफरेंट टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए यहां पे हाइब्रिड मिला हमें, थोड़ा सा मैं इसको मिटा कर फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हमें क्या मिला है हाइब्रिड मिला हुआ है। अब इस हाइब्रिड का क्रॉस आप किससे कराते हो इसके ऊपर भी टाइप्स डिपेंड करता है ना। अगर इस F1 हाइब्रिड का लिखा हुआ है वहां पे, अगर F1 हाइब्रिड का हम लोग क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग आउट क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका क्या आया हुआ है, ये आपका F1 हाइब्रिड आया हुआ है, क्रॉस किससे कराना है डोमिनेंट से, तो मान लीजिए मैंने क्रॉस करा दिया कैपिटल टी से, तो होमोलाइगस कंडीशन डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट पेरेंट है। अगर इस तरह का क्रॉस आपको दिखाई देता है कि किसी क्रॉस के अंदर आपको ये लगता है कि हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट के साथ हुआ है, तो इस तरह के क्रॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आउट क्रॉस से। क्लियर। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि इसी F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग अगर हम लोग रिसेसिव ट्रेट के साथ कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी तो हमारा हाइब्रिड है F1 हाइब्रिड, इसको क्रॉस अपन ने कराया किससे रिसेसिव से, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इस तरह के क्रॉस को हम लोग रिप्रेजेंट किसमें करेंगे टेस्ट क्रॉस में, अक्सर करके ये पूछता है। तो जो बैक क्रॉस होता है उसके दो टाइप होते हैं उसके क्रॉसिंग के बेसिस पे। अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग डोमिनेंट पेरेंट के साथ होता है तो आउट क्रॉस कहलाएगा, और अगर F1 हाइब्रिड का क्रॉसिंग अगर उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है तो वह कौन सा क्रॉस कहलाएगा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इज दैट क्लियर, 100% श्योर ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूं इसको भी। अगर मान लो बेटा ये मेल है और ये फीमेल है, है ना, दो जेंडर है मेरे पास, दो इंडिविजुअल है। अगर मेल का कैरेक्टर मान लो मैंने लिया कैपिटल टी ये टॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी ये ड्वार्फ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों क्या है पेरेंट्स है, दोनों क्या है पेरेंट्स है। अब अगर मान लो पहली बार में आपने जब पहली बार क्रॉस करा है तो मेल को क्या लिया कैपिटल टी और फीमेल को क्या लिया स्मॉल टी तो क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे कैपिटल टी एक आएगा मियोसिस होगा तो और स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी आएगा क्योंकि जब भी गैमेट बनते हैं तो हाफ नंबर आता है।
तो ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेगा, है ना। अब इसी जो आप यहां से यहां कर रहे थे, मतलब मेल को लिया था कैपिटल टी और फीमेल को लिया था स्मॉल टी, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, मतलब अब आपको ले लेना है कि अब क्या हो गया, आपने लिया फीमेल को कैपिटल टी और आपने लिया मेल को क्या ले लिया, स्मॉल टी, आपने उसके क्या किए, जेंडर चेंज कर दिए, तब भी रेशियो आपको वही मिलेगा। रेशियो में क्या कोई अंतर आएगा, प्रोजेनी क्या कुछ अलग बनेगी, नहीं। मतलब यहां पे आपको एक पॉइंट समझ में आता है कि जो भी ट्रेट अपीयर होते हैं, मतलब अपीयरेंस ऑफ ट्रेट इज जेंडर इंडिपेंडेंट, वो जेंडर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप यहां से चेंज कर लो उसका तो भी वही चीजें आनी है, मतलब मेल इंडिविजुअल को फीमेल मान लो, फीमेल को मेल मान लो, तो भी वहां पे प्रोजेनी वही बनेगी, 100% श्योर हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब उसी को उल्टा क्रॉस करा देना, यानी कि उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप के अपीयरेंस को हम क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप के अपीयरेंस को हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग कर दे रहे हैं थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। तो ये चीज आपको समझ में आती है। इसके बाद एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, है ना। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। बेटा फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, इसको आप बोल सकते हो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जब किसी इंडिविजुअल का फिजिकल अपीयरेंस, मतलब बाहरी देख रेख, बाहरी जो एक्सटर्नल फीचर है उसको हम देख करके जब डिटरमाइन करते हैं तो उसी को हम लोग नाम देते हैं फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते हो आप तो वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी अगर मोटा है तो वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप है। कोई आदमी लंबा है तो वो उसका फिनोटाइप आप देख रहे हो, मतलब वो ड्वार्फ है कि वो टॉल है, वो सब कुछ। जैसे मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल टॉल, ड्वार्फ, है ना, ब्लैक, ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप देख के बता रहे हो। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या, हर एक फिनोटाइप का क्या होगा, कुछ ना कुछ जीन, हमने बोला ना कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको कौन डिटरमाइन करता है, तो उसको जीन्स डिटरमाइन करते हैं। तो टॉल को तो कोई जीन डिटरमाइन कर रहा होगा, मतलब जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, जीनोटाइप। तो आप लिख सकते हो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। इज दैट क्लियर। अब यहां पे आपको एक पॉइंट समझना है, टॉल लिखा है ना, अब टॉल को अगर हमें जीनोटाइप में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल टी, ये हमारा क्या हो गया जीनोटाइप में। डार्फ के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप हो गया। ब्लैक लिखना है तो मान लो कैपिटल बी। तो जब भी हम लिखेंगे तो वो पेयर में ही लिखेंगे, क्योंकि हमेशा वो पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, है ना। इसके अलावा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन का नाम आपने सुना होगा। प्योर लाइन किसे बोलते हो, प्योर लाइन का मतलब होता है बेटा होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब भी प्योर लाइन आपको बनाना होगा तो प्योर लाइन बनते कैसे हैं, कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में हम बार बार क्रॉस कराएंगे और जो भी कैरेक्टर है वो कभी चेंज ना हो 3-4 बार क्रॉस कराने के बाद, और वही कैरेक्टर बार बार रिपीट होता है तो वही उसका क्या कहलाता है, प्योर लाइन कहलाता है, है ना। तो प्योर लाइन के बारे में हम लोग और भी डिटेल बात करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में ये अक्सर करके होता है। तो ये चीज याद रखना है आपको, ये सारी चीजें, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना प्लांट में भी, हमने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन याद करो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां से सेल्फ पॉलिनेशन करा करके प्योर लाइन ऑब्टेन किए जाते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो प्योर लाइन इन्होंने मटर के पौधे में बहुत सारा प्योर लाइन लिया था। अब मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, क्या वो बाई चांस था या कोई सोची समझी साजिश थी, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हैं, एकदम आराम से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक छोटा सा और लेक्चर मैं डालूंगा जिसके अंदर 2-4 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें अक्सर करके नीट में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और उनके जीनोटाइप क्या बनते हैं। तो अक्सर करके जब इसी से एक चीज और याद आ गया, उसको सुन लो आप। एक नाम है बेटा
पुनेट स्क्वायर टेस्ट, ये सुना होगा पुनेट स्क्वायर टेस्ट है ना, पुनेट स्क्वायर ये क्या है? तो इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आर सी पुनेट, है ना, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था आर सी पुनेट साहब ने। एक्चुअली ये इधर के नहीं रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, है ना, ब्रिटिश के जेनेटिस्ट थे। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया क्या, पुनेट स्क्वायर टेस्ट। पुनेट स्क्वायर टेस्ट क्या है? तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द जीनोटाइप, जितने भी जीनोटाइप्स होंगे उनका हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पुनेट स्क्वायर। ऐसा एक स्क्वायर टेस्ट बनाया जाएगा और इन्हीं में हम क्या करते हैं, जितने भी जीनोटाइप आते हैं उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह का एक मॉडल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। हम लोग जब वहां पे क्रॉसिंग कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कराएंगे, तो आप देखोगे कि कैसे उसको अलग करके इसमें रखा जाता है, इजीली निकल, इजी वे में थोड़ा सा निकल जाता है जितने भी जीनोटाइप वगैरह या नंबर निकालना होता है। तो इसीलिए पुनेट स्क्वायर टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये आरसी पुनेट का काम है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जीन है ना, ये चीज याद रखना है आपको कि जितने भी जीनोटाइप हैं और फिनोटाइप हैं, ये सब कुछ इनका एक अलग अपना इंपॉर्टेंस है। जब जब हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होता जाएगा। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन में मैं तीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राई हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर केवल ट्राई हाइब्रिडाइजेशन दिया है, तो ट्राई हाइब्रिडाइजेशन पे केवल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अगला लेक्चर थोड़ा सा छोटा मैं बनाऊंगा और उसमें सारे दो चार क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक वाइज कि कैसे आप कोई भी नंबर ऑफ गैमेट तुरंत पता कर सकते हो और उनका जो जीनोटाइप बना है वो कैसे पता कर सकते हो। क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप ये पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाइए, फिर उसमें सारे जीनोटाइप लिखिए और फिर उसको आप कैलकुलेट करिए और निकालिए, इतना टाइम हम लोगों के पास रहता नहीं है। नीट में क्या है, आपके ब्रेन का यूज करना है ना। क्वेश्चन सबको आता है बेटा, बस टाइम का ख्याल वहां पे आपको आगे एमबीबीएस दिलाएगा कि नहीं, ये बस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें टाइम में बचा करके काम करना है ना, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर इसी का एक छोटा सा लेक्चर लेकर के। थैंक यू सो मच।